चैप्टर 113 नवरात्रि अर्थात आद्य शक्ति की आराधना का पर्व। असोज माह के 9 दिन नवरात्रि के रूप में मनाए जाते हैं। नवरात्रि अर्थात आद्य शक्ति की आराधना का पर्व। माताजी आद्य शक्ति है। माताजी की भक्ति करने से प्राकृत शक्ति उत्पन्न होती है। माताजी पूर्णतः प्रकृति का हिस्सा है। माताजी की भक्ति से प्रकृति सहज होती जाती है। प्रकृति सहज होती है तो आत्मा सहज होती ही है। आत्मा और प्रकृति दोनों में से एक सहज हो जाए तो दोनों सहज हो जाते हैं। हिंदुस्तान में माताजी के अलग अलग नाम हैं। यह एक बहुत बड़ा साइंस है। कितनी खोजबीन करने के बाद अंबा मां, लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी की खोज हुई होगी और यह सब हुआ तब विज्ञान कितनी ऊंची हद तक डेवलप हुआ होगा, विकसित हुआ होगा। यह सब लुप्त हुआ तो देखो, आज माताजी के सही दर्शन करने का तरीका भी नहीं आता। अंबा मां संसार के विघ्न दूर करती है, लेकिन मुक्ति तो ज्ञान द्वारा ही मिलती है। दर्शन करना आए तो अंबा मां, बहुचर मां, कालिका मां और भद्रकाली मां, ये चार माताएं हाजरा हुजूर है, विद्यमान है। माताजी पाप नहीं धोते बल्कि प्राकृत शक्ति देते हैं। सभी देवियों के कुछ कायदे होते हैं जिनका पालन करने से माताजी खुश रहते हैं। अंबाजी देवी प्रकृति की सहजता दर्शाती है। यदि सहजता टूट जाए तो अंबाजी कैसे खुश रह सकती है। बंगाल में जो दुर्गा देवी कहलाती है वे ही यह अंबाजी माता है। वाणी के जो जो नियम है उनका पालन करें तो सरस्वती देवी खुश रहती है। वाणी का दुरुपयोग करें, झूठ बोलें, प्रपंच करें, दूसरों की झूठी प्रशंसा करें, दूसरों के हृदय को ठेस पहुंचे ऐसी वाणी बोले तो सरस्वती देवी कैसे खुश रह सकती है। आज किसी का वचन बल क्यों नहीं फलीभूत होता, क्योंकि वाणी के कायदों का पालन नहीं हुआ है। मनुष्य में दो प्रकार के बल की जरूरत है, वचन बल तथा मनोबल। ये दोनों शक्तियां प्रतिष्ठित आत्मा को, रिलेटिव आत्मा को बलवान बनाती है, जबकि देह बल पाशवता में गिना जाता है। आज वचन बल तो लुप्त हो गया है। वाणी का गलत उपयोग न हो, किसी भी प्रकार का अपव्यय न हो तो वचन बल उत्पन्न होता है। केवल सत्य ही बोले और फिर सत्य के आग्रह को पकड़कर भी न रखें तो फिर से वचन में बल पैदा होता है। ज्ञानी पुरुष का गजब का वचन बल होता है। उनका एक ही वचन मोक्ष तक ले जाता है। चारण जाति के लोग तस्वीर में दिखाई देने वाली सरस्वती देवी की भक्ति करते हैं तब भी उनकी वाणी कितनी मीठी होती है। फिर ज्ञानी की सहज वाणी तो प्रत्यक्ष सरस्वती कहलाती है। उससे तो हमारा काम ही हो जाता है। लक्ष्मी का सदुपयोग करें, उसको दूसरों के भले के लिए खर्च करें तो लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं। दूसरों को धोखा देने से, व्यवसाय में ट्रिक करने से, मिलावट करने से लक्ष्मी देवी नाराज होती है। ये सभी दुख असहजता के कारण ही है। आद्य शक्तियों के बारे में सही समझ व ज्ञान प्राप्त करके उनकी भक्ति की जाए तो सहज बन सकते हैं तथा सहज सुख वर्तन में रह सकता है। नवरात्रि में होने वाले गरबे भी एक विशिष्ट लाक्षणिकता रखते हैं। इससे एटिकेट टूट जाते हैं।
गरबे में शामिल होने से व्यक्ति की प्रकृति सहज हो जाती है, और जब प्रकृति सहज बनती है तब भीतर की सारी शक्तियां बाहर आती है। इंसान के भीतर छिपा हुआ आनंद प्रकट होता है, इससे जगत की विस्मृति हो जाती है। गोलाकार में गरबा घूमना यह इस बात का भी सूचक है कि एकता में ही आनंद है। इसमें न कोई प्रथम है और न कोई अंतिम। यह अनादि अनंत जगत की झांकी प्रस्तुत करता है। इस जगत की भी न तो कोई प्रमाणभूत शुरुआत है और न ही उसका अंत। जगत परिवर्तित होता है मगर इसका नाश नहीं होता। ऐसे में यदि हम नॉर्मालिटी में आ जाए और सहज बन जाए तो सहज सुख को पा सकते हैं। माता जी की भक्ति हमें सहजता की ओर ले जाती है। हाइलाइट्स: अंबा मां संसार के विघ्न दूर करती है, लेकिन मुक्ति तो ज्ञान द्वारा ही मिलती है। माताजी पाप नहीं धोते बल्कि प्राकृत शक्ति देते हैं। ये सभी दुख असहजता के कारण ही है। आद्य शक्तियों के बारे में सही समझ व ज्ञान प्राप्त करके उनकी भक्ति की जाए तो सहज बन सकते हैं तथा सहज सुख वर्तन में रह सकता है। प्रकृति ने सुख रूप करवा माता जी ने करवी भक्ति, तन मन धन ने मजबूत करती भद्रपुरी ने आज्ञा शक्ति। माताजी ने भक्ति करता श्री परमाणु सुंदर था, भद्रिकता पुरुष ने आपे जे माता निस्तव